कई बार एक समस्या देखने को मिलती है अक्सर पंखे के अंदर कि पंखा जो है सही चल रहा था और चलते चलते वह अचानक उसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम हो गई, और कई बार देखने को मिलता है कि वो उल्टा भी हो जाता है, मतलब स्पीड कम हो जाती है और पंखा उल्टा घूमने लग जाता है, या पंखा सुलटा ही चलता रहता है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आप उसके कैपेसिटर को जब चेक करते हैं तो कैपेसिटर सही मिलता है, बदल देते हो फिर भी उसकी स्पीड नहीं बढ़ती है, और आप उसकी कंटिन्यूटी लेते हो वाइंडिंग की, अगर तीन तार हैं और उसकी कंटिन्यूटी ले रहे हैं तो आपको कंटिन्यूटी तो आपको मल्टीमीटर से लोगे तो बिल्कुल ठीक मिलेगी, लेकिन अगर आप सीरीज से उसकी कंटिन्यूटी लेते हो तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या आपको वाइंडिंग अच्छी उसकी दिख रही होगी और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि पंखा शॉर्ट हो चुका है या जल चुका है, लेकिन पंखा आपका धीरे धीरे ही चलेगा। आप बैरिंग में ग्रीस कर सकते हैं, ऑयल कर सकते हैं, लेकिन उसकी समस्या वही की वही रहेगी, या तो उल्टा चलेगा, उसके आप तार भी बदल लेंगे तो भी चक्कर उसके सुलटे नहीं होंगे, और या फिर वो सुलटा ही चलेगा लेकिन स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लो हो जाती है, और पंखा थोड़ा थोड़ा हीट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ी थोड़ी कई बार हीट भी नहीं होता है लेकिन शॉर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है शॉर्ट की प्रॉब्लम है दोस्तों, ये बहुत सारे पंखों में देखने को मिलती है, और ये कंडीशन सीलिंग फ़ैन के साथ भी हो सकती है, फर्राटा फ़ैन के साथ भी हो सकती है, कई तरह की मोटरों के साथ हो सकती है। तो इस तरह की मोटरों में आप जो है सीरीज से चेक करें, और सीरीज से पता चलेगा कि रनिंग की क्या कंडीशन है और स्टार्टिंग की क्या कंडीशन है। आप वो देखने को मिलेगा कि जहाँ पे शॉर्टिंग होगी वहाँ पे अलग ही आपको एक अनलिक कंटिन्यूटी आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कर सकते हैं सेटअप बाय सेटअप। तो सबसे पहले इस तरह की अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कैपेसिटर बदल के देखें और तारों को आपस में बदल के देखें, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो पंखा शॉर्ट है आपका, फिर आप वो शॉर्ट आप पकड़िएगा, या अगर पकड़ में नहीं आता तो वाइंडिंग करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, वंदे मातरम।